हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नेवर गिव अप। और आज की वीडियो उत्तराखंड एलटी 2021 के एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ की वीडियो मैंने एक सप्ताह पहले डाली थी उस पर थोड़ा सा चेंजेज है। कुछ कुछ सब्जेक्ट के मामले में थोड़ा सा चेंजेज आ रहा है, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो कुछ चेंजेज है उसका मैं बता रहा हूँ कि किस किस सब्जेक्ट में थोड़ा सा ऊपर नीचे मेरिट जा सकती है। उसको मैंने सोचा कि काफ़ी मतलब लोगों से विचार विमर्श के बाद जो है पता लगा है कि इनमें थोड़ा सा ऊपर या डाउन कहाँ किस सब्जेक्ट में रह सकती है, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाना आपके लिए ज़रूरी समझा। और दूसरा ये है कि आपका जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट कब तक आएगा, इस पर भी मतलब काफ़ी अटकलें लगाई जा रही है। तो जो आपका रिज़ल्ट का जो क्वेश्चन है उसका तो मैं बता देता हूँ कि आपका जो रिज़ल्ट है अक्टूबर फर्स्ट वीक तक, आपका रिज़ल्ट जो है अक्टूबर फर्स्ट वीक या 15 अक्टूबर से पहले पहले आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो जो भी लोग कट ऑफ में या कट ऑफ से जो हम बता रहे हैं, अधिकांश लोग बता रहे हैं उससे ऊपर हैं, वो अपना उनके लिए ऑल द बेस्ट सबसे पहले तो। और उसके बाद आप अपनी बैग एंड बैगेज को तैयार रखें और अपनी नई तैनाती स्थल पर पहुँचने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ अग्रिम में। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, उसमें जो काफ़ी थोड़ा बहुत चेंजेस किसी किसी सब्जेक्ट में वही बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले आज बात कर लेते हैं फिजिकल एजुकेशन की। फिजिकल एजुकेशन में मैंने आपको 72+, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको ये सब बताया था। इसमें मैं आपको थोड़ा चेंज बता रहा हूँ। फिजिकल एजुकेशन में जो जनरल की कट ऑफ है वो 70, यहाँ पे 72 की जगह पे आप 70+ मान के चलना, ठीक है। 70+ मींस है, मैंने आपको दो नंबर पहले ही बता रखा, दो नंबर प्लस या माइनस हो सकता है, तो 68 भी हो सकता है और 72 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चेंज यहाँ पे हुआ है, बाकी कैटेगरी में आप लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे 67 है तो 65 कर दीजिए, यहाँ पे 64 कर दीजिए, EWS में वैसी, SC में वैसी, ST में, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा चेंज था, यहाँ पे मेरिट थोड़ा डाउन जाने की संभावना है फिजिकल एजुकेशन की, मैं बात कर रहा हूँ अभी। उसके बाद अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं, SST में। SST में चूंकि पद बहुत कम है तो इसलिए यहाँ पे जो मेरिट है ये 68 वैसे एग्जैक्टली मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन ये 70 भी रह सकती है। तो +2 मैंने आपको बताया था, तो इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ये 70 मान के चले आप, 70+ -2 मतलब 68 भी रह सकती है और +2 72 भी रह सकती है जनरल की, बाकी अदर कैटेगरी में आप देख सकते हैं, ठीक है। +2 कर लेना और कैटेगरी में भी, तो यहाँ पे +2 हुआ है और आपने फिजिकल एजुकेशन में देखा होगा वहाँ पे -2 हुआ है। तो वैसे ही संस्कृत में चलते हैं। संस्कृत में चूँकि पद बहुत कम है और यहाँ पे जो जनरल की कट ऑफ है वो आपको यहाँ पे लगभग 70 देखने के लिए मिलेगी, 70, ठीक है। ये थोड़ा सा अनुमान मतलब वैसे इतना भी आ सकता है लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी जो मतलब ज़्यादातर लोगों की जो राय है, मतलब एक्सपर्ट्स की जो राय है, जो मैक्सिमम पोल में पता चल रहा है उसमें ये है कि आपका जो संस्कृत का कट ऑफ है वो 70+ -2 मतलब 68 भी रह सकता है और 72 तक भी जा सकता है जनरल। अदर कैटेगरी में आप उस हिसाब से देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे आप 5 नंबर का जो बढ़ोतरी हो रही है तो यहाँ पे 68 मान के चलें, यहाँ पे 67, ठीक है। तो वैसे यहाँ भी 5-5 नंबर आप बढ़ा देना, ST की तो खैर यहाँ सीट ही नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो संस्कृत में सबसे ज़्यादा थोड़ा सा मेरिट में वेरिएशन आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे 70 आप मान के चलना, ठीक है। +-2 मतलब 68 और 72, +-2 आप लेके चलना। उसके बाद जनरल कला की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो मेरिट में थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा वो ये रहेगा कि जनरल जो ड्राइंग सब्जेक्ट है उसमें जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जनरल की वो 76 रह सकती है, मतलब इसमें दो नंबर कम हो रहे हैं, तो 76-78 आप मान लीजिए, 76-78 जनरल, ठीक है। और 76 मैं बता रहा हूँ तो 76 का मतलब 75 भी हो सकता है और 77 या 78 भी हो सकता है, तो 76-78 मान के चलना आप लोग इसको। और OBC की अगर बात करें तो यहाँ पे 72 आप मान लेना और EWS की 72 और SC और ST में आप दो नंबर उस हिसाब से घटा लेना, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ्स, तो मैथ्स की मेरे हिसाब से एग्जैक्टली सही है और जो जितना भी अनुमान है उसमें यही है, +-2 हो सकता है, यहाँ पे 62 भी हो सकता है और 58 भी हो सकता है, क्योंकि मैथ्स में शायद 208 के आसपास पद हैं, तो काफ़ी पद हैं और पिछली बार की तुलना में बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैथ की मेरिट तो इसी के आसपास रही है।
उसके बाद है साइंस की। साइंस की जो मेरिट है उसमें थोड़ा सा ये है कि पेपर उतना पिछली बार की तुलना में पद आधे हैं लगभग। पिछली बार 400 कुछ थे तो इस बार 250 क्या 200 ऐसे होंगे, मतलब 220-230 के आसपास होंगे। तो मैं साइंस की जो मेरिट है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगी यहाँ पे, 58 कर देना आप, दो नंबर, ठीक है, 2 मार्क्स का इंक्रीज है, यानी कि 60 भी रह सकती है और 58 से नीचे 56 आप मान लीजिए, प्लस माइनस 2 है ना, 60 और 56, मिनिमम 56 मैक्सिमम 60, और जो हमारा अनुमान है वो 58 है, मतलब 58 प्लस वाला सेफ है जनरल में। बाकी कैटेगरी में आप यहाँ देख लेना, ठीक है, दो दो नंबर बढ़ा सकते हैं आप यहाँ से, दो यहाँ बढ़ा लो, दो यहाँ, दो EWS में, दो OBC में। तो ये थोड़ा सा वेरिएशन है मेरिट लिस्ट में। मैंने सोचा क्योंकि जो काफ़ी लोगों का मतलब ये था कि इस सब्जेक्ट में कम है, इसमें ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से काफ़ी लोगों से डिस्कशन के बाद ये पता लग रहा है कि मतलब ये जो संशोधित है ये, और कुछ जो क्वेश्चन आपके उसमें हैं मतलब डाउट वाले हैं, क्वेश्चन डिलीट होंगे या कॉमन मार्किंग होगी, उसको भी हमने इसमें इंक्लूड किया है, तो उसके हिसाब से थोड़ा ये चेंजेज आ रहे हैं। और उसके बाद है इंग्लिश में आप 58 की जगह पे इसको 60 मान लीजिए, ठीक है, 60 प्लस माइनस 2, मतलब 62 भी हो सकता है और 58 भी हो सकता है, माइनस 2 मतलब 58, ठीक है। तो 60 प्लस जो भी है जनरल में वो बिल्कुल श्योर है। और कैटेगरी में आप यहाँ देख सकते हैं, फिर 55 से हो जाएगा 57, एक दो नंबर बढ़ जाएंगे, यहाँ 54 से हो जाएगा 56, और SC में 50 मान लीजिए आप, और ST में 54, अगर आप इससे ऊपर हैं तो श्योर आपका सिलेक्शन है। उसके बाद हम चलते हैं हिंदी में। हिंदी की मेरिट लगभग एग्जैक्टली सही है, ठीक है, प्लस माइनस 2 रह सकती है, मतलब 62 भी हो सकती है, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा, और 66 भी हो सकती है जनरल की। बाकी कैटेगरी में आप दो नंबर प्लस माइनस 2 कर लेना, तो ये हमारा जो अनुमान था बिल्कुल वही है। तो जो लास्ट मैंने आपको बताया था उसके उसमें थोड़ा संशोधन है। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा, निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा क्योंकि बहुत मेहनत की गई इसको बनाने में, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।